फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अपने आई एरिया के करेंगे मसाज, जिससे कि हमारी आईज के पास जो है स्किन हमारी हाइड्रेटेड रहे, फाइन लाइंस, रिंकल, डार्क सर्कल, पफिनेस की प्रॉब्लम ना आए। तो मैं इसके लिए ले रही हूँ एलोवेरा बॉडी बटर क्रीम। आप कोई ना कोई आई क्रीम ले सकते हैं, जहाँ और कोई ऐसी चीज ऑयल ले सकते हो जो आपकी स्किन को यहाँ पे सॉफ्ट रखे, या आप विटामिन ई कैप्सूल का भी यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं तो एलोवेरा क्रीम का ही यूज कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं काफी टाइम से इसको यूज करती हूँ और मुझे अच्छी भी लगती है। तो हमने रिंग फिंगर का यूज करना है, क्योंकि ये सबसे लाइट वेट फिंगर होती है, जिससे कि प्रेशर नहीं पड़ता है ज्यादा। तो पहले क्रीम को हम थोड़ा सा आई एरिया के पास स्प्रेड कर देंगे सर्कुलर मोशन में, जिससे कि स्किन हमारी सॉफ्ट हो जाए। 4 to 5 टाइम क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ वाले एरिया में हमने कर दी है क्रीम स्प्रेड। तो अब हम क्या करेंगे, अपवर्ड की तरफ हम करेंगे मसाज, अंदर से बाहर की तरफ ले जाते हुए करीब 10 टाइम। तो मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, इसलिए मैं कम ही करूँगी, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। जब तक मैं नहीं करती थी कुछ, मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम थी, लेकिन जब से मैंने स्टार्ट किया है करना आई मसाज, तब से बहुत 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 कम हो गए हैं मेरे ऑलरेडी जो लाइंस पड़ रही थी, और इसके अलावा नए भी नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्टॉप करेंगे, और इसके बाद हम करेंगे थोड़ा सा अपनी स्किन को ऐसे स्ट्रेच और क्रॉस बनाएंगे, और यहाँ से थोड़ी सी मसाज करेंगे अपने आईब्रो को, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेंगे यहाँ पे और थोड़ा सा नीचे वाली स्किन को। बाहर की तरफ इसी तरीके से दूसरी आंख में भी। अब हम करेंगे यहाँ पे मसाज थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए। 2 फिंगर्स लेंगे और बिल्कुल हल्का सा प्रेशर डालेंगे, और साथ ही ये अपने ब्रो की स्किन को भी थोड़ा थोड़ा ऊपर करते जाएंगे। धीरे धीरे ये भी स्किन हमारी जो है वो लूज होने लग जाती है। अगर एवरी डे हम 5 मिनट अपने आई एरिया की फाइन लाइंस को स्ट्रॉक करने के लिए थोड़ी मसाज, थोड़ी एक्सरसाइज करें, तो बहुत जल्दी हम इन प्रॉब्लम्स से बच सकते हैं। अब प्रेस करेंगे यहाँ पे अपवर्ड की तरफ। आप यहाँ से भी कंप्लीट आगे ले जा सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो।
कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ जो हमारी बोन है उस पे कुछ टाइम के लिए प्रेशर डालेंगे, 10 to 15 seconds, सॉफ्ट हाथों से, बहुत ज़्यादा नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर इतनी ही हम फेस मसाज के साथ साथ आई एरिया की, तो डियर फ्रेंड्स अगर इतनी ही हम आई एरिया की मसाज 5 मिनट निकाल के दिन में एक दो बार करते रहेंगे, तो हमारी यहाँ की स्किन हाइड्रेटेड रहेगी, जितना ज़्यादा यहाँ मॉइस्चर रहेगा स्किन इकट्ठी नहीं होगी, स्किन इकट्ठी नहीं होगी तो उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे रिंकल्स और फाइन लाइन्स, क्रो लाइन्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे आने वाले टाइम में और भी ऐसी ही वीडियोस मैं अपने चैनल में आपके लिए लेके आती रहूंगी। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।